कि तोरा की लागो हौ छौड़ी मार जइबै हमरे आ जइही ससुरवा तब नै है हमारा गाम गे। क्या बात है। आ पड़ते सिंदूरवा तोरा भूल आगे छौड़ी। क्या बात है। हाँ। आ छोटकी बहिनी के तोर पटैबौ आगे छौड़ी। देखिए हमारे साथ बादल बिहारी जी है। कि चलई न देव घर नगरिया गे अब होला के बनी पुजरिया गे। वाह क्या बात है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जी। कही बतिया हमर अमनी है जरूर गे अहे गे मांझी लिखा वाले कवरिया पर हो जइही मसहो। मांझी लिख वाले कहा आगे सर आगे। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं बीआरके अनमोल लाइव। अभी हमारे साथ पूरा टीम यहां पे उपस्थित है, आप देख रहे होंगे। आज हम लोग बोधगया के महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस में हैं और यहां हमारे साथ पूरा टीम आए हुए हैं। हमारे बादल बिहारी जी हैं जो शेखपुरा जिला से चल करके आए हैं और इनके साथ में और भी तमाम लोग पप्पू जी हैं और तमाम साथी हमारे भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम जानने के प्रयास ये करेंगे कि यहाँ पर देखिए सब शेखपुरा से चल करके आए हैं, क्या सोच करके यहाँ आए हैं। हम बारी बारी करके लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे। दोस्त सबसे पहले अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार। तो अभी आप कहाँ से आए हैं? आमस। आमस से आए हैं, किस मुद्दे पर आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? समाज संगठन शिक्षण। अच्छा, उसी के मुद्दे पर हम लोग आए हैं। अच्छा, बोला कि चलो समाज के राज्य विकास के लिए। यानी अभी यहाँ मीटिंग में एक बात बताया जा रहा था कि लोग ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता बन जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो वही वाला कहानियां सेम है। हाँ, नेतागिरी नहीं करना है लेकिन हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और नेतागिरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, राजनीति में नहीं ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपने जितने भी गरीबी तबके के लोग हैं उन पर हमेशा पढ़ते पढ़ते भी रहिए, पढ़ाते भी रहिए। हाँ, सभी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हाँ, इससे हमारा समाज का उत्पत्ति बहुत अच्छा से हो जाएगा। हाँ, और समाज उभर का एक नया समाज उभर का सब सामने आएगा। हाँ, यानी समाज को बदलना है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि हम लोग को सबसे पहले शिक्षा, सोशल एक्टिविस्ट तो बनना ही है लेकिन सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करना है। और हमारे साथ देखिए बादल बिहारी जी हैं और हम इनसे आप जानने के प्रयास करेंगे कि बादल बिहारी जी बहुत दिन के बाद आज घर आए हैं हमारे हाथ में। कहे कि हम बहुत इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जो हम लोग लगभग फरवरी में हम लोग एक वीडियो किए थे यहाँ रबर डैम पे और आज दूसरा बार इनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। बादल बिहारी जी क्या कहना चाहिएगा आज के बैठक को लेकर के? आज के बैठक को लेकर के कहना यही चाहेंगे जो युवा लोग हैं तो पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा तो यही मतलब लगा हमको कि राजनीतिक से थोड़ा सा जो मतलब कि जो बात बोले हैं सर जी बहुत बढ़िया बात बोले कि जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किए नहीं राजनीति का झंडा ढो रहे हैं तो ऐसा करना गलत बात है, हमारे हिसाब से भी गलत है। पहले आप पढ़िए लिखिए उसके बाद उस लाइफ हो जाइए तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात यही है। अब आइए बादल बिहारी जी, हम बताए थे शुरू में वीडियो के शुरू में कि बादल बिहारी जी आज 2-3 महीना के बाद घर आ गए हैं तो घर आ गए हैं तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत मांझी परी शायर मारते हैं, अभी इनका मार्केट में नया नया गाना आया हुआ है, क्या गाना आया हुआ है सर अभी कुछ हमारा दर्शकों को बताइए। हाल ही में एक मेरा न्यू बोलबम सॉन्ग आया। अच्छा बोलबम सॉन्ग आया सावन का। सावन का भी सावन का महीना चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पब्लिक का काफी मतलब कि सपोर्ट रहा था मांझी लिख वाले और हनिया थे। अच्छा अच्छा, उसी का मतलब एल्बम में आया है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा गा के सुना दीजिए हमारा दर्शक को। कि चलई न देव घर नगरिया गे अब होला के बनी पुजरिया गे। वाह क्या बात है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जी। कही बतिया हमर अमनी है जरूर गे अहे गे मांझी लिखा वाले कवरिया पर हो जइही मसहो। मांझी लिख वाले कहा आगे सर आगे। और आगे क्या लास्ट में सुना दे तो और अच्छा रहेगा। सुनाइए सुनाइए सर, एक थोड़ा सा एक चुटकुला सुना दीजिए। चुटकुला मांझी पर सुनाइए। हाँ मांझी पे एक शायरी सुना मांझी से। हाँ देखिए मेरा एगो है
कि ढेर ज्यादा गर्मी देखे में तो सब गर्मियां झाड़ दो। देखिए ढेर ज्यादा गर्मी देखे में तो सब गर्मियां झाड़ दो। हाँ आगे मांझी से दुश्मन करनी वो टंगरिया बीच बीच फाड़ दो। ये देखिए मांझी से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगा भाई, कहे से कि मांझी से दुश्मनी लेमी तो पीछे से फाड़ देता हूँ। अभी आपका और कोई भोजपुरी में सॉन्ग आया है तो थोड़ा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, जो आपका सबसे फेवरेट गाना अभी तक कौन है वो हमारा दर्शक को थोड़ा सा सुना दीजिए। बादल सबसे फेवरेट। हाँ सबसे फेवरेट गाना सुना दीजिए। सबसे फेवरेट मेरा भी है और मेरा ऑडियंस का भी है। अच्छा छोटकी बहनिया के पटे हो सुना दीजिए थोड़ा हमारा। कि तोरा की लागो हौ छौड़ी मर जैबै हमर आ जैमी ससुरवा तब नै है हमरा गाम गे। क्या बात है। आ पड़ते सिंदूरवा तोरा भूल आगे छौड़ी। क्या बात है। आ छोटकी बहिनिया के तोर पटैबौ आगे। देखिए हमारे साथ बादल बिहारी जी है, आप लोग लाइव देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देखिए ये हमें लगता है कि बादल बिहारी जी भी अपने फेसबुक पेज से इनको इस वीडियो को पोस्ट करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बादल बिहारी जी आपका लोग जानने के लोग प्रयास करते हैं कि बादल बिहारी जी आखिर है कहाँ के। सोशल मीडिया पर तो हम जानते हैं कि बादल बिहारी जी हैं, लेकिन वो कहाँ के हैं ये बता दीजिए, हमारा दर्शक लोग जानना चाहते हैं। तो भैया हम बिहार के छोटा सा जिला शेखपुरा है और हम वहीं से बिलोंग करते हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग जैसे कि फोन वगैरह कॉल आता है तो हम बताते हैं कि भैया हम शेखपुरा के हैं। तो पता नहीं गया या नवादा में भी कहीं शेखपुरा है वो जगह, ये कंफर्म नहीं है बट इतना पता है कि गया तो नवादा में है। बोलते भैया गया से कि नवादा, बोले नहीं भैया शेखपुरा एक जिला है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये बात हम भी मानते हैं, कि फोन वगैरह आता मैसेज भी आता है तो हम बताते हैं भैया शेखपुरा जिला है, तो वहीं से हम बिलोंग करते हैं। देखिए बादल बिहारी जी का शेखपुरा जिला है और इनसे हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। अभी इससे पहले महीना दिन पहले हम मिले थे इनके साथ ही मुकेश मुकु जी से मिले थे, अब आज बादल जी मिल गए हैं तो हम उनसे भी जानने के प्रयास किए थे कि उनका कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। अब इन सब हम जानने के प्रयास करेंगे कि इनका गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। बादल जी आप बताइए अभी तक आपका गर्लफ्रेंड वगैरह है? एको नहीं है। ना है। देखिए ये बात बता दीजिए, जैसे अगर हम देखिए सोशल मीडिया पे हैं, अगर हम कहेंगे कि मेरा गर्लफ्रेंड है तो भी कहेगा हाँ है, रहे चाहे नहीं रहे। अच्छा। कहेंगे कि नहीं है, हाँ नहीं होते हो सको। देखिए बिहार लोग विश्वास कर ही ले रहा है कि इनका गर्लफ्रेंड होगा। हमारे साथ बादल बिहारी जी हैं। अच्छा बादल बिहारी जी, जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग आपको प्यार दे रहे हैं, तो किस प्रकार से आगे बढ़ने का उद्देश्य रखे हैं, आगे जीवन में क्या करना है? जीवन में देखिए जीवन में अगर अभी तो अभी कुछ हुए नहीं, लेकिन बस सोच रहे हैं कि अगर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो खुद का जो भी है मतलब सोशल मीडिया में जो कुछ भी आता है सब अपना करेंगे। और जो भी हमारे जैसे कि अपने ही समाज के फर्स्ट नंबर हम समाज के बात करते हैं, जो समाज से उठे उसको कभी भूल नहीं सकते। जी जी जी, कोई अपना समाज को भूलना भी नहीं चाहिए। बस जैसे ही मतलब कुछ लेवल होता है उतना लगता है कि हमारे पास है सक्षम है, तो छोटे छोटे जो भी भाई लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, उनको भी मतलब करवाएंगे। ये मेरा सपना है कि हम अपने भाई लोगों के लिए भी कुछ करें। बस सोशल मीडिया पे दिल लग गया तो बस वहीं से हम करेंगे। देखिए एक बात आप लोग नोट कीजिएगा, इनका साफ कहना है कि अगर हम आगे बढ़ गए तो अपने समाज में जो लड़का आगे बढ़ना चाहेगा सोशल मीडिया के थ्रू हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले बादल जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब बादल जी आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। अभी मार्केट में कोई नया गाना आपका आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है, एक राजगीर का भी मेला चल रहा है। अच्छा राजगीर का मेला। हाँ उसी पे आ रहा है। जी जी कभी बोले राजगीर का मेला पे आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना दिन में वो गाना आ जाए, कुछ गाना का सिलेबस वगैरह बता सकते हैं? हाँ गाना का तो ऐसे रिकॉर्डिंग हो गया, बस मेन बात है कि कल परसों भी मेरा एक गाना रिलीज हुआ था तो एक दो दिन का गैप देना पड़ता है। हाँ अच्छा, कल परसों जो गाना रिलीज हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे मार्केट पे चल रहा है? मार्केट पे अभी तो ठीक ठाक है लेकिन उतना खासा नहीं चल रहा है क्योंकि जो है थोड़ा सा बोलबम का सॉन्ग। गाना के क्या बोल था? बोलबम का गाना था, ऐसा ही कुछ करके था कि मांझी जी शादी जाता जब घर नवरिया में, ऐसा कुछ था। फर्स्ट लाइन तो भी भूल रहे। यानी अपने चैनल पे है वो गाना?
नहीं मेरा चैनल तो नहीं, कोई कंपनी है उनके चैनल। अच्छा। देखिए बादल बिहारी जी का गाना आया हुआ है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि बादल बिहारी जी का कौन सा गाना अभी मार्केट नया आया। कोई चैनल पे है तो बता सकते हैं बादल बिहारी? हाँ बिना फीस पे। बिना फिल्म पर वो गाना छूटा हुआ है बादल बिहारी जी का। हमारे साथ बोलेंगे मेरे लाइव के बारे में। हाँ। अच्छा आपका जो शायरी वायरल हुआ था सबसे पहला शायरी, कुछ याद है तो हमारा दर्शकों को सुनाइए। कौन शायरी से हमारा बादल बिहारी जी इतने ऊंचे मुकाम पे चले गए, आज 42-44 हजार सब्सक्राइबर है, ये बहुत बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ऐसा तो मेरा फर्स्ट शायरी, सबसे फर्स्ट जो कह सकते हैं कि उस टाइम हम बनाते भी नहीं थे। हाँ तो उस टाइम एक थी वो बनाए थे, मतलब बहुत मतलब कि जो होता है ना, तो शायरी का कुछ बोल इस तरह था कि हमर मलबा को है कि हमर पापा जी प्यार के दीवार बनल है, कि हमर मलबा को है कि हमर पापा जी प्यार के दीवार बनल है, शायद उगली भूल गए कि हम मांझी के बेटा है, हम मांझी प्यार में बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ दे थे छोटा मोटा दीवार की। क्या बात है। तो इनका पहला शायरी था जो वायरल हुआ था, आज देखिए हमारे साथ बादल भी आ रही है, और देखिये कैमरा के पीछे पप्पू जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है सर। तो हमारे साथ और तमाम साथी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे बाल बिहारी जी से, आप लोग मिल करके कैसा लगा सर? ये अच्छा। मान लीजिए अगर ये मेरा जिगरी है और इसके से मिलने के बाद दिल खुश हो जाता। अच्छा तो एक बात, हम जिगरी यार है तो कुछ तो मालूम रहा है, हम इनका तो पूछा लिए लेकिन नकार दिन की हमारा अभी कुछ न है, तो बताओ एक इनका है कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसे है शादी गर्लफ्रेंड ना है। देखिए ये भी छुपा रहे हैं, मतलब है ये भी छुपा रहे हैं, है है तक कहा है बिहार में झारखंड में काहे की बड़ी झारखंड जा तुम। वहाँ मेरा जैसे देखिए बताते हैं, मामा भी रहते हैं, मेरा भाभी भी रहते हैं, भैया का ससुराल भी है। हाँ तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ बात हुआ, मेरा कुछ फ्रेंड लोग भी हाँ भैया ससुराल है तो वहाँ साली भी लोग भी है, यही कनेक्टेड रिश्ता है, इसी के लेकर के जाते हैं। पप्पू जी क्या कहना चाहेंगे, अभी तक क्या हो रहा है, आप इनके साथ रहते हैं हमेशा? सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ आया कनेक्टर देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बादल बिहारी जी थे, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम साथी हमारे। और कुछ बोलना चाहेंगे बादल जी? और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बाकी तो आपका भाई दिल खोल के आप लोगों के लिए एकदम खड़ा है। अजी जहाँ से हम कमाते हैं, जहाँ से आप लोग के लिए कुछ कह नहीं कर सकते, जरूर करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप ही के लोगों के लिए हम बने हुए हैं, बस आप लोग जब कहिए तब। बाकी वीरेंद्र भैया का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अभी तो अच्छा खासा भी फॉलोवर्स भी हो गया, जल्दी ही एकदम चैनल मोनेटाइज होगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बादल बिहारी जी, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे थे बी